नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। आज बालाघाट नगर मुख्यालय में इंस्पेक्टर मीट का सफल आयोजन कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह, दतिगांव एवं आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ इन्वेस्टर उद्यमी शामिल हुए। इस दौरान उद्यमियों से जिले में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बालाघाट जिले में मैग्नीज आधारित फेरो अलॉय उद्यम के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए एवं एथेनॉल बायो फ्यूल तैयार करने के उद्यम के लिए 1012 करोड़ एवं बड़ी राइस इंडस्ट्री में लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश सहित अन्य उद्योगों के लिए उद्यमियों द्वारा निवेश करने पर फिलहाल सहमति जताई गई है। आज आयोजित इन्वेस्टर मीट में जिले में उद्यम लगाने में इच्छुक उद्यमियों को जमीन, सुविधाएं एवं अधोसंरचना उपलब्ध करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिले में आप ब्रॉड गेज प्रारंभ हो जाने से आवागमन एवं माल के परिवहन की भी अच्छी सुविधा सुलभ हो गई है, जो नए उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में मैंगनीज, बांस, चावल एवं अन्य खनिज संपदा एवं वन संपदा का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। जिले में इन उत्पादों पर आधारित लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग लगाने के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। में अधिक संख्या में उद्योग लगेंगे तो यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले के विकास को गति मिलेगी। जिले में ग्राम कंकी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहाँ पर उद्यमियों को जमीन आवंटित की जाएगी। इसके अलावा ग्राम बोंडदा कला, रावटबंदी, कोहलका डेवर, पेंडरई, देवरई, खापा, मिरगुरपुर, गुडरू घाट, सावरी, चिखला, मोहबट्टा, नांदी एवं दीन में जमीनी उद्योग विभाग को आवंटित करने के लिए चिन्हित की गई है। बारा सिवनी तहसील के ग्राम एकोड़ी में लाख आधारित उद्योगों के लघु उद्योग निगम को जमीन आवंटित कर दी गई है। इस इंस्पेक्टर समिट में बताया गया कि बालाघाट जिले में उद्योगों के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें जिले के 10,000 से लेकर 12,000 तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जी बताइए, ये इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर आज आयोजित किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है और कौन कौन सी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आई है इन्वेस्ट के लिए? बहुत समय से 2014 के बाद इसकी अपेक्षा थी कि यहाँ कोई इन्वेस्टर मीट जैसे बड़ा आयोजन हो। हमारे जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सम्मानित दीपक आर्य जी की एक कल्पना थी, काफ़ी समय से वो चर्चा भी करते थे कि यहाँ एक इन्वेस्टर मीट का, एक अच्छी इन्वेस्टर मीट का जिसमें इन्वेस्ट लोग करें, और आज उसमें उसके परिणाम स्वरूप लगभग 4000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले लोग यहाँ पर आज पधारे हुए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं बालाघाट की तरफ से। हमारे तमाम नेतागण जिनका सहयोग मिल रहा है इसमें, इस इन्वेस्टर मीट को कामयाब बनाने के लिए, उनका भी कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित होने पर उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो रीवा से आए हों, नागपुर से आए हों और भी विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, जो निश्चित रूप से उनकी सोच बनी है कि बालाघाट में इन्वेस्ट किया जाए। अगर यहाँ इन्वेस्ट होगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि मुख्य समस्या रोज़गार की ही है। और ज़िले के जो युवा लोग हैं वो इस इन्वेस्टर मीट का उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। सर, इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस समिट का मुख्य उद्देश्य है कि जो बालाघाट में एक काम धंधे की कमी है, रोजगार की कमी है, जब इन्वेस्ट करेंगे लोग, यहाँ काम धंधे नए नए खुलेंगे तो नए नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो बालाघाट से लोग बाहर जाते हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, तो इन्वेस्टर जब यहाँ आएगा और उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करने में सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले का फायदा होगा, यहाँ के युवाओं का फायदा होगा। कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा सर, मैं लगभग एक अंदाजा, यहाँ मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार इसमें उपलब्ध होगा। सर, ये जो 4000 करोड़ बालाघाट में इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये किन किन उद्योग क्षेत्र में किए जाएंगे? ये बहुत सारा तो ये परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, कुछ वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में है, कुछ और इधर बैहर विधानसभा क्षेत्र में है। ये विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, और कुछ लोग अपनी रुचि के हिसाब से जहाँ उनको ठीक लगेगा वहाँ उद्योग स्थापित किए जाएंगे। किस प्रकार के उद्योग रहेंगे ये? जैसे माइंस आधारित रहेंगे जो अपने नेचुरल है? विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। अभी विस्तृत योजना उसकी आपको अभी यहाँ मंच से भी मिल जाएगी, कार्यक्रम चालू हो गया है। आप लोगों को बताएंगे कितने इन्वेस्टर यहाँ पे पहुँचे होंगे? लगभग यहाँ पर करीब करीब 150 से 200 इन्वेस्टर पहुँचे हैं, कोई छोटे, मझोले, मध्यम और कुछ बड़े
लोग जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले। सर ये सब क्या एमपी से कि बाहर से भी इन्वेस्टर आए हैं? नहीं, एमपी के बाहर से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, तो मध्य प्रदेश के बाहर के भी इन्वेस्टर यहाँ आए। R9 भारत के लिए भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट बालाघाट से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।